सो हेलो ब्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू न्यू ब्लॉग। एंड फिलहाल तो आज का ब्लॉग का शुरुआत हो रहा है कुछ इस तरीके का जगह से, ठीक है। फिलहाल तो ये है मतलब कि साधु भाई एंड अपना भाई जो रहता है वो वाला घर है रेंट पे, ठीक रहता है यहाँ पे। तो कल रात को मैं इन लोगों के साथ में आ गया था क्योंकि आज सुबह को जल्दी जल्दी उठ के निकलना था राइड पे एंड थोड़ा बहुत वीडियोज़ वगैरह बनाने का भी प्लान था, लेकिन फिलहाल तो अभी तक वो लोग सो रहे हैं, अभी तक उठा नहीं है, ठीक है। तो अभी देखते हैं थोड़ी देर के बाद वो लोग उठते तो ठीक है, अगर उठते तो निकल जाएंगे राइड पे, और अगर नहीं उठते तो क्या ही बोल सकते भाई। तो देखते हैं फिर भी क्या कुछ सीन बनता है, ठीक है। तो बने रहना वीडियो पे लास्ट तक, और बाकी जो लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, और जो लोग यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो बने रहना वीडियो पे लास्ट तक। एंड यहाँ पे ये रहा अपना बाइक का एंटोर कैंड, अपना बैटमैन हीरो में स्टोर देख ही सकते हो क्या सीन है इसका अभी। तो फिलहाल तो अभी तक राइड पे निकले है नहीं, क्या बोलता है राइड पे निकलेगा क्या? क्यों नहीं निकलेगा, हमारे पास करने का और है ही क्या। तू तो अभी भी सो रहा है। एंड यहाँ पे देखो दूसरा भाई, ये साधु भाई तबीयत खराब है क्या अभी भी? रात को पैरासिटामोल नहीं खाया क्या? अभी उठने का प्लान है? तो वैसे तो फिलहाल अभी नहीं जा सकते राइड पे क्योंकि मौसम का हालत देखो भाई, एंड बारिश भी गिर रहा है थोड़ा बहुत। एंड ये क्या रे, क्या करेगा आज? राइड पे जाना था। तो भाई मौसम तो खराब हो चुका है अभी, क्या ही कर सकते अभी। तो अभी तो वैसे खत्म वाला सीन हो रखा हुआ है, बारिश पड़ना शुरू हो चुका है, क्या कर सकते हैं अभी। तो राइड पे नहीं जा सकते एंड ड्यूटी पे भी नहीं जा सकते, दिखाता हूँ कुछ आपको। क्या तूफान आ रहा है, पता नहीं क्या सीन रहेगा आज। फिलहाल तो मौसम अचानक से ख़राब हो ही गया है, क्या कर सकते हैं। फिलहाल तो ये भी इधर पे अभी सो गया है, और ये भाई तो पहले से ही सोया हुआ है क्योंकि भाई का तो भी थोड़ा सा खराब है, और बाकी साउंड तो सुन ही पा रहे होंगे आप क्या सीन हो रखा है। फिलहाल तो अभी ड्यूटी पे जाने का भी प्लान हो रखा था, तो मतलब कि टाइम हो रखा था, तो क्या ही बोला अभी, देखते हैं क्या सीन रहता है अभी। एंड गाइज ये देखो अपना हेलमेट एंड बाइजर जो है मैंने चेंज कर दिया, पहले इसमें ब्लैक लगा हुआ था उसको चेंज करके अभी व्हाइट वाला लगा दिया है, ठीक है। एंड उससे पहले कौन सा कलर था मेरे पास? ब्लैक कलर नहीं, नहीं उससे पहले, उससे पहले कौन सा वाला याद ही नहीं था मेरे को, याद ही नहीं। सो हेलो ब्रेन, फिलहाल तो अभी मैं अपना जो फ़ोन है सैमसंग का उस फ़ोन से मोटो ब्लॉगिंग करने का कोशिश करता हुआ, पता नहीं अभी व्यू वगैरह एंगल वगैरह क्या कुछ आ रहा होगा, आई थिंक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा होगा, और अगर आ भी रहा होगा तो एक साइड में आ रहा होगा साइड से, क्योंकि ऐसे ब्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है भाई, मोबाइल का कैमरा एक साइड रहता है ना, तो क्या ही बोले भाई। तो अभी देखते थोड़ा सा चलते एंड जाके सामने जाके रुकेंगे एंड देखेंगे, चेक करेंगे वीडियो का क्लिप वगैरह क्या कुछ आया है, ठीक है। तो देखते रहना वीडियो को पूरा दोस्तों। आई थिंक पूरा घटिया रहा होगा अभी एंगल, अभी इधर तो रुक के देखते क्या सीन रिकॉर्डिंग होगा। तो दोस्तों अभी फिलहाल देख सकते हो, फिलहाल तो मैं अभी हूँ ऑफिस में एंड फिलहाल तो बात नहीं किया था क्लिप पे, इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे ये देखो ये दोनों अंदर में क्या कर रहा है, एक तो चावल ले रहा है क्योंकि घर जाके खाना भी खाना है ना, प्रबंध कर रहे हैं हम लोग। ये देखो मुंह के अंदर घुसा दो मेरा। तो दोस्तों फिलहाल तो मैं फिर से अपना सैमसंग फोन से मोटो ब्लॉगिंग करने का कोशिश करता हुआ, पता नहीं व्यू वगैरह क्या कुछ आ रहा होगा, आई थिंक इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं आ रहा होगा, तो जो भी आ रहा है थोड़ी देर के बाद चेक करेंगे, ठीक है। और बाकी साउंड का कुछ कर नहीं सकते अभी फिलहाल, बाइजर खुला हुआ है, ठीक है दोस्तों। पता नहीं दोस्तों व्यू वगैरह क्या कुछ आ रहा होगा, अगर अच्छा आ रहा है तो ठीक है, और अगर अच्छा नहीं आ रहा है तो बताओ। खींचो ना, चुप कर रहा हो, सुधर रहे तो जया बाम दिखे डू क्या। तो पता नहीं दोस्तों फिलहाल तो अभी व्यू वगैरह क्या कुछ आ रहा होगा, अगर अच्छा आ रहा है तो ठीक है, और अगर अच्छा नहीं आ रहा है तो ख़त्म भाई।
थोड़ी देर पहले तो मैं ओला चलाया था, ओला पे अच्छा ही एंगल आया था, इस पे पता नहीं क्या एंगल आ रहा होगा। तो अभी जाके जहाँ पे अभी रुकेंगे ना वहाँ पे जाके चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। एंगल तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा होगा। आओ हो दे आ रहा चूतिया साला। ये तो ठीक है, इंडिकेटर लद्दी से तो फिलहाल तो अभी एंगल वगैरह क्या कुछ आ रहा होगा मेरे को कुछ भी। हाँ खाना खाना ठीक है, खाना लेना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी फिलहाल पता नहीं व्यू वगैरह क्या कुछ आ रहा होगा, अगर अभी भी व्यू अगर अच्छा नहीं आ रहा है ना तो ख़त्म भाई। अगर अभी भी व्यू अच्छा नहीं आ रहा है तो क्या ही बोल सकते दोस्तों, मोटो ब्लॉगिंग हो नहीं सकता इस फोन से मेरे को लगता है। इसलिए एंगल जो है वो सही नहीं है, वो मिल नहीं रहा है, मतलब कि अच्छा से हो नहीं पा रहा है एंगल। एंगल को मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ। तू हा कर या ना कर तू है मेरी किरण। एंड सामने कौन चल रहा है देख ही रहे हो गाइस। अभी अगर वाइड एंगल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं कर सकते भाई, क्योंकि क्या ही बोले भाई, आज मैं फ़ोन से मोटो ब्लॉगिंग का कोशिश कर रहा हूँ एक लेंस लगा करके, बट कुछ ढंग से नहीं हो रहा है। रास्ता पे बहुत सारा ब्लॉगर्स देखने को मिलता है लेकिन कोई रोकता नहीं है भाई। अगर कोई रोक के हमको पूछता तो बातचीत करता तो अच्छा लगता भाई। वैसे बहुत सारे हैं हमारे त्रिपुरा में लेकिन हम लोग जानते नहीं है इनको, वो लोग भी हमको नहीं जानते। एंगल का तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है मेरे को दोस्तों। वो देखो कैसे जा रहे हो भाई, एनएस वाला भाई, वो लोग अभी आ चुका है देखो दोस्तों। हे क्या रे, मेरी मर्जी साले, तू हा कर या ना कर तू है मेरी किरण। अभी फिलहाल आ चुका हूँ गांव वाला रूट पे जिससे विश्वजीत भाई का घर में जाते हैं, ठीक है। एंड मेरा भाई जो है वो भी रहता है उसी घर में भाई। अगर एंगल वगैरह अभी तक ठीक है तो ठीक है, और अगर ठीक नहीं है तो ख़त्म। फिलहाल तो मेरे को कुछ भी पता नहीं चल रहा है क्या कुछ व्यू आया होगा इतनी देर से। अगर सही है तो ठीक है, और अगर सही नहीं है तो ख़त्म भाई। तो वैसे ये जो वीडियो है बस मोटो ब्लॉगिंग सेटअप का, आज तो मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा इसमें, आज बस टेस्ट हो रहा है इसका, इस लेंस का एंड इस फ़ोन का एंगल वगैरह सब कुछ का, माइक का भी, ठीक है, सब कुछ का जो है आज मतलब वो हो रहा है, टेस्ट हो रहा है। अगर ये वाला वीडियो थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहता है तो कल से ट्राई करेंगे रेगुलर मोटो ब्लॉग करूँ इसी फ़ोन से, ठीक है। और अपना जो कैमरा है वो तो क्या ही बोले, स्टेबलाइजेशन तो इतना ज़्यादा खास नहीं है, बट वाइड एंगल भी इतना ज़्यादा खास नहीं है, एंड पिक्सल वगैरह मतलब कि वीडियो का क्वालिटी वगैरह भी इतना ज़्यादा सही नहीं आता है उस कैमरा से, ठीक है। और साधु भाई तो डेली कैमरा देता है नहीं अपना, तो क्या ही बोलूँ मैं। कल तो आ ही चुके हैं शायद अभी, और बस थोड़ा सा ही बचा है, ठीक है। तो आ चुके हैं इधर पे, विशाल
चाबी तो मैंने नहीं रखा, खड़ा तो भी नहीं था, खड़ा, अमी तो है गाइस। वैसे फिलहाल अभी आप लोगों ने देखा ही है, मैं आज सुबह को ब्लॉग शुरू किया था एंड अभी ऑफिस से आते टाइम भी थोड़ा बहुत मोटो ब्लॉगिंग किया था, ठीक है। एंड थोड़ा थोड़ा करके ट्राई किया अपना इसी फ़ोन से मोटो ब्लॉगिंग, ठीक है। एक्चुअली मैंने एक लेंस लिया है, ठीक है, ओनिक भाई से, तो वो वाला लेंस से अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ इस फ़ोन पर लगा करके मोटो ब्लॉगिंग करने का। बट इतना ज़्यादा खास तो नहीं आ पाता, तो फिर भी क्वालिटी वगैरह क्या कुछ था आप लोगों ने देखा ही है, ठीक है। एंड अभी भी फिलहाल जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, सामने का कैमरा पे अभी लेंस लगा हुआ है, ठीक है, तो वाइड एंगल तो देख ही सकते हो क्या कुछ है, ठीक है, कैसा है कमेंट पे बताना, ठीक है। और बाकी ये वाला वीडियो को और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करते, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम भी शायद से मोटर ब्लॉगिंग कर सकता हूँ तो वो अलग ब्लॉग होगा, ठीक है। तो ये वाला वीडियो जो है बस इतना सही है, ठीक है। तो आपसे मिलते हो और एक नए वीडियो में बहुत ही जल्द। तो तब तक आप शस्त्रों मस्त्रों खाते भी जरूर, अपने फैमिली का ख्याल रखो और खुद का भी। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।